Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है. आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं. आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे. अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो. हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं. मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में. मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है. उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए. जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं. पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है. अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे. मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके साथ आपके साथ है. बहुत धन्यवाद.